एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ कितनी गर्मी है। और फ्रेंड्स, इस वक्त 9:40 हुए और वेदर देखो आप कितना मतलब गर्म है, और इतनी तेज़ धूप लगी है कि मेरी तो आँखें नहीं खुल पा रही है। ये देखो इतनी तेज़ धूप है इस वक्त। और आज हम कर रहे हैं काम कुछ, तो बताती हूँ मैं आपको क्या काम कर रहे हैं। आज हमने सफाई की है स्नूफी के रूम की, और आज हम स्पेशल काम कर रहे हैं। वो बताती हूँ मैं आपको कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये देखिए, आज स्पेशल संडे हमारा हो रहा है। ये मैंने मैट वॉश करनी है आज। ये बहुत टाइम से निकाल दी थी हमने फैब में धोने के लिए, बट नहीं धो पा रहे थे इसको। ये इनकी वजह से रह जा रही थी। ये हमेशा बोलते थे छुट्टियाँ पड़ेगी, छुट्टियाँ पड़ेगी। मार्च की छुट्टियाँ पड़ी, उसमें भी नहीं धोया इन्होंने। ये मैट मैंने जो ऊपर हॉल में बिछाई होती थी, तो आज हम इसको करेंगे वॉश, क्योंकि अब धूप अच्छी होगी तो अच्छे से सूख भी जाएगी। तो इस टब में करूँगी मैं इसको वॉश। तो पहले डालूँगी मैं इसमें सर्फ, इतना तो पड़ना ही है इसमें। आ जाओ इधर, एक कॉर्नर पकड़ना। कॉर्नर सीधी डाल दो, इसको रहने देंगे इसमें 10-15 मिनट। हाँ, इसी में रहने देना मेरे, तब तक मैं खाना बनाऊँ कुछ खाने के लिए। आपने तो कर लिया ब्रेकफास्ट। पानी कम करेगा दिन तक। इसके नीचे एक और मैट बिछानी थी, ये नहीं खाती थी, बुक बुक बना रही है। हैं? उसमें बना रही है क्या वो? हाँ। वो धुल जाने के नीचे। ये धुल ही तो है। यहाँ पर क्या रखा है? यहाँ पर। यही रखा है ना नज़दीक, क्योंकि मेरे को ये इस पे रखना पड़ता है, नज़दीक रहता है। चलो ठीक है, सोचे दी बिल्कुल क्योंकि चलो है बंदी। एक हाथ से पानी में भिगो के डालते हैं सिर्फ को। अरे ये लेन तो धुल गया थी पिछली बार नहीं। पता चल पापा पर पानी नहीं है। पर तो निकली राइस से। तो यहाँ से भी निकलेगा। क्या करना है? ऊपर लेंटर पर पानी नहीं आएगा ना, मैंने देखा। बासी होती है अच्छा कल सुबह। हाँ Thank you.
इसमें पूरी सर्दी की डस्ट है लगी हुई। अब इसको सुखाएंगे हम, और फिर जब सर्दी होगी स्टार्ट नवंबर या दिसंबर में फिर बिछाएंगे, क्योंकि बहुत गंदी हो जाती इसमें। फ्रेंड्स, मैं आप सभी से एक बात और कहना चाहूँगी कि देखो आजकल गर्मियाँ बहुत है और बेचारे ये पक्षी हैं, छोटे पक्षी, तो इनको पानी के लिए आप लोग सब अपने अपने घरों में ऐसे भरें। देखो मैंने ये भी भर रखा हुआ है, ये भी भर रखा है, दही का भी भर रखा है, साथ में इसको भी भर रखा है पानी का डब्बा, इसको भी भर रखा है कि कहीं ना कहीं इनको पानी मिल जाए। कप वेस्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो उसमें भी आप भर के रख सकते हो, कोई बॉटल काट के भी रख सकते हो उसमें पानी, ताकि इनको बेचारों को पानी मिलता रहे। देखिए ये भी भरा हुआ है, देखिए ये भी भरा हुआ है। देखिए आप आम गिरे हुए हमारे यहाँ पर, हवा से गिर गए ये। यहाँ पर मैंने ये भी भर के रखा है और इसको भी भर के रखा है, फूल किया हुआ है, ताकि इसमें जैसे ये पानी बर्ड्स अच्छे से आके यहाँ पर ड्रिंक कर सकते हैं। तो ऐसे से काम करने चाहिए हम लोगों को, कहीं ना कहीं पुरुषार्थ हो जाएगा। तो इसको वॉश करके बस थोड़ा थोड़ा काम है, अब जा रही मैं वॉशरूम में, अब जा रही मैं नहाने के लिए। तो यहाँ पर आज खाना लंच रेडी कर रहे हैं स्पेशल कुक। देखो ये कड़ी बना रहे हैं, और मेरे हबीब बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए जब अभी मैं नीचे से फ्री ना, वो मैट वगैरह वॉश करके उसको डाला है मैंने डिप करने को, अभी भी बस अब जाऊंगी मैं नहाने, तो इसी करके ये लग गए लंच रेडी करने। इन्होंने देखा कि लंच नहीं बनेगा, इसलिए मैं खुद ही लगूँ खाना कड़ी बनाने, तो आज हम खाएंगे कड़ी। सो फ्रेंड्स, ये था संडे स्पेशल, तो जिसमें मैंने मैट वॉश किया, साथ में अपने बालों में सरसों का तेल लगाया, और ये देखिए चिड़िया जो पानी पी रही है। तो आप भी प्लीज़ अपने एरिया के नज़दीक इन पक्षियों के लिए पानी पीने